हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल चारू ब्लॉग 63 में। तो सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, मैं बड़े ही दिनों के बाद मैं यूट्यूब में वीडियो डाल रहा हूँ। वैसे कुछ खास वीडियो तो नहीं है, लेकिन देखना तो एक बार बनता है। और जितने भी यादें थी मेरे पुराने, जितने भी अभी तक के 3 महीने 4 महीने जितने भी हुए उड़ीसा पुलिस में, तो उस सब के कुछ यादें हैं और पुराने थोड़े से झलक है, तो उस सबको देखिएगा दोस्तों। और परसों ही मैंने वैक्सीन लगाए थे कोरोना के, तो कोविशील्ड। तो उसके लगाने बाद कुछ 12-13 घंटे के बाद मुझे रिएक्शन होने लगा, बुखार आने लगा और सिर दर्द होने लगा। तो कल भी वैसा ही मेरा बीता और आज भी वैसा ही। तो आज मुझे रेस्ट मिला, तो मैं अभी फुल रेस्ट में हूँ। तो कोविड शील्ड जब वैक्सीन लगे तो करीब करीब 2 दिन करीब करीब रेस्ट करना ही बनता है। तो रेस्ट कीजिएगा, बेरिक हमारा बेरिक। ये सब अभी सभी कोई मतलब फटीक वटीक में चले गए हैं, ड्यूटी में है, तो मैं अभी सिर्फ खाली हूँ। तो मेरा जितना भी वीडियो है पहले का, वो सब पहले देख लीजिए, उसके बाद मैं आप सभी से फिर से बात करता हूँ। और राजा आज को खाना हाम्रो साथी भाइहरूसँग मिर्चा प्याज रोन को देखे मेरा अभिजित ओए व्हाट्स अप पीपल्स हाय गाइस ढकाल केशव अभिजीत रोहन केटाको यस्तो छ पछि होइन उसको पनि यी यत्रो लामो सब घट्छ अझै मेरो त्यहाँ यत्रो छ देख मेरो यसमा तेरा देख कितना निचे सबका काटेका ऊ उसको भी हाँ यी बाल सब कटिङ होगा अभी कटिङ हो रहा यो हाम्रो हाम्रो 27 जना खाना खाँदै आज दसैँको तिहारमा। यो मेरो प्लेट अहिले भर्छ यहाँ पे अभी अतुल अरू यहाँ हाम्रो साहबहरू दसैँको हल्का रमाइलो उसका फोटो लो। ये रहा हम लोग का सामने गेट है, वहाँ से निकलता है और यहाँ पे सर लोग रहते हैं ये बैरिक में।
हे गाइस, बहुत दिन के बाद मैं ब्लॉग्स बना रहा हूँ आप सभी को। देखिए, ये मेरा हेयर स्टाइल है और ये हेयर स्टाइल कंटिन्यू होने वाला, यही हेयर स्टाइल। और मैं आप सभी को बता दूँ, मैं अभी उड़ीसा पुलिस में मतलब बाली हो चुका हूँ। और ये रहा हम लोग का कैंप बैरिक जिसे कहते हैं, ये पीछे, यहीं पे हम लोग रात दिन सोना बैठना है। लेकिन अब आज रात या कल सुबह निकल जाएंगे मतलब ट्रेनिंग के लिए झासुगुड़ा। और यहाँ देखिए मेरे छोटे छोटे सिम्बा, क्या हुआ क्या हुआ? बिस्किट ला दे, बिस्किट है, बिस्किट ला देंगे। चल अभी जा, हम ये ब्लॉग्स बना रहे। माफ कर दीजिएगा दोस्तों, मैं ब्लॉग्स नहीं बनाया हूँ, क्योंकि आप सभी को बता दूँ कि इधर सुबह 4 बजे उठना और 12 बजे लौटना फटिक से, और उसके बाद फिर से 3 बजे फिर से फॉलिंग कर रहना, और उसके बाद फिर 6 बजे तक, तो टाइम नहीं मिलता था ब्लॉग्स के लिए। तो अभी मैं फ्री था एक दिन, तो इसलिए कंटिन्यू कर रहा हूँ ब्लॉग्स। तो आगे फ्यूज आगे मतलब ब्लॉग्स आते रहेगा गाइस, तो मिलते हैं फिर आगे आगे। तो हम लोग गेट से बाहर निकल चुके हैं। सब अच्छे यार, ये रहा हम लोग का कैंप और हम लोग जा रहे हैं अभी दुकान पे। और आने वाला वीडियो पे आपको वर्दी पे दिखाई देगा आपका भाई, तो बनते रहिएगा ब्लॉग्स पे। तो एक्चुअली में ये रहा उदय सुनारी, शाम से है वो, और ये केशव आचार्य अचार लाता है साले। और रांची से बाहर निकल के और जंगल झाड़ में रहने में कुछ अलग ही मजा है। और दिवाली मनाने के डरो जला जला ना, इधर इधर बीच में रखना, स्टेयर के बीच में, और नीचे रखना, ऊपर मत रखना, पैर मार देना। यहाँ 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 हम दिखा रहे, आराम से नीचे से आ रहे हम, बीच में स्टेयर्स के बीच में, इधर इधर अबे सीट गिरेगा, नहीं गिरेगा। यसो होइन, हामी घरदेखि धेरै नै टाढो छु, हामी साथीभाइहरू 27 जनाको लागि हामी मिलेर के भने, मैले इन्डिभिजुअल जलाएको साथीभाइहरूको लागि। अब हवा र इधर कोही नै हो जाएगा। अरू दिवाली वेवाली यो साल त बम पटेका मनाउनु पर्न, त्यही भएर घर मिस गर्दैछु, के गर्ने कडेको छैन, निजे चाहिँ जला दे। एउटा जलाइदिएको सबै केटाहरूको नाममा लिएर आएको हौ मैले, यसले फेसबुकमा दिन्छु भनेछु। नहीं नहीं हो जाए। अले बन बन प्रे कर रहे, बन 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 दिवाली के बेलामा हामी साथीभाइ यसो गुड मॉर्निंग आप सभी का। मैं यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अगर आप सभी को इंस्टाग्राम या फेसबुक में मुझे फॉलो करते हैं या फ्रेंड है, तो आप सभी को पता होगा कि मैं कहाँ पे हूँ। उड़ीसा मेरा ट्रेनिंग सेंटर झासुगुड़ा में जा रहा हूँ, तो चलिए आपको दिखाता हूँ आगे। मैं यहाँ पे मेरे दोस्त सब फॉलिंग कर चुके हैं, और यह रहा बस झासुगुड़ा की ओर जाने वाले बारीपड़ा टू झासुगुड़ा। और यहाँ पे हमारे सर सब गुरुजी, और ये सब नंबर ही मेरे, और हम लोग यहाँ पे रहते थे। देख पा रहे आप सभी को कहाँ पे रहते थे हम लोग, यहीं से सब, यहीं से कोई छैन, रोन छ हार गए। अरे बस में म्यूजिक सिस्टम पता नहीं बजेगा, नहीं देख रहा बस में। जय भारत माता की जय, जय मां काले, आयो गोर्खाले, जय मां काले, आयो गोर्खाले, जय मां काले, आयो गोर्खाले, जय मां गोर्खाले, जाँदै छ जासुडा गोर्खाले, दिवालीको टाइम पुग्छ जेलागडा।
तो गाइस हम लोग चल पड़े हैं जासू गाड़ी के और हम लोग बारीपदा सीआरपीएफ कैंप से निकल पड़े, जैसे कि आप सभी को दिखाई दे रहा बस निकल पड़े और कंटिन्यू रहेगा ये ब्लॉग्स, देखते रहिए गाइस। बुकड़ और देखिए मेरे दोस्त लोग कोई खड़ा होके जा रहा, कोई बैठ के, ऐसे ऐसे जाना पड़ रहा। ये देखिए ला 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 एक सिपाही का नौकरी करना बहुत ज़्यादा कठिन होता है, लेकिन सरकारी नौकरी मिलना भी बहुत ज़्यादा कठिन होता है। यो यहाँ पे देखिए गाइस, लड़की लोगों का हालत जासूगढ़ा जाने टाइम में एक छोटी सी बस है, लेकिन कोई बात नहीं, जवान लोग ऐसे काम बहुत ही अच्छे से कर लेते हैं, अपना मतलब जुगाड़ कर लेते। कोई मोबाइल में गाना सुन रहे, कोई सो रहे, और आपका भाई इतना छोटा सा जगह में बैठे हुआ, और पीछे सामान पूरा लोड। अभी खाना खाने के लिए रुके हैं, अभी सभी कोई यहाँ पे मेरे दोस्त लोग खाना खाने के लिए रुके हैं, और खाना खाऊंगा और नहीं पता सादा या मच्छी, चिकन या अंडा कुछ क्या मंगाने वाले हैं, तो अभी सादा खाना रहेगा मे भी। तो ये सब मेरे दोस्त सब है, देख पा रहे आपसे कोई। खाना खाने के बाद हम लोग सभी दोस्तों और फिर से चल पड़े हैं जासूगढ़ा की ओर, और यहाँ पे मेरे दोस्त फोन में बात कर रहे हैं, और यहाँ पे ध्रुव खत्री और यहाँ समीर श्रेष्ठा सुशील। कब पहुँचेंगे जासूगढ़ा? हो रहा है यार इतना, मतलब जोक है यार, बहुत भयंकर कठिनाई हो रही है मुझे यहाँ पर बैठने में, और ऊपर में देख पा रहे हो। देखिए सभी हिल डुल के जा रहे हैं, शाम के वक्त हो चुका है और अभी तक हम लोग पहुंचे नहीं है, नहीं पता कितना देर लगेगा, और बस में बैठते बैठते बोरिंग हो चुका हूँ। सो गाइस इतना देर के बाद रात के 8:30 बजे फाइनली जासूगढ़ा पहुंच चुके, और सिर्फ सेकेंड बटालियन में पहुंच चुके। बाप रे बाप, इतना थकाऊ महसूस हो रहा है, क्या कैसे, बहुत ज्यादा थकाऊ महसूस कर रहा ना, बहुत ज्यादा, बहुत नींद भी नहीं पहुंचा, और एक ही जगह बैठे रहना 13-14 घंटा बहुत ही मुश्किल ये जर्नी रहा है। और मिलेगा गाइस अगले ब्लॉग्स में, तब तक के लिए जय हिंद जय गोरखा।